शासन को जो ज्ञापन दिया कि हम लोगों की पेंशन, हम लोग 98-99 से पोस्टेड है और सरकार द्वारा ये परिवार पेंशन बंद कर दी है, उस संबंध में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है ताकि हम लोगों का बुढ़ापे का जो सहारा है वो पेंशन चालू होना चाहिए, उसके लिए हम शासन से विनम्र अनुरोध कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे स्वागत जिंदगी। नरसिंहगढ़ में शिक्षा कर्मियों ने SDM श्री अमन वैष्णव जी को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा। शिक्षक केसर सिंह नागर जी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा हमारे पेंशन को बंद कर दिया गया है, जिससे हमें आने वाले समय में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने इसी संबंध में कहा कि इस समस्या को देखते हुए उन्हें माननीय SDM महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है। स्वागत जिंदगी के लिए सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। अभी जो रिटायर हो रहे हैं, मुझे खट्टा मिला है, उससे मैं तो 8 लाख जमा रहती हूँ, 1 लाख मिला है और पेंशन मिल रही मात्र 600-700। तो अभी 2000 साल पहले तो होगी, लेकिन हमारी नहीं है, हमको जो स्थाई माना उन्होंने 2007 से माना। जबकि नियमितीकरण का आदेश है पर हमारे पास 2001 का 2001 का नियमितीकरण, हम 98 में लगे थे और परीक्षा परिवीक्षा अवधि हमारी समाप्त हो गई। केसर सिंह मास्टर आंटी थोड़ी साइड में, ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल, इसे परिवार पेंशन नियम 1972 ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने विश्वास द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजेश नरसिंह जिला राजगढ़ द्वारा महोदय भारत सरकार ने 1 जनवरी 2004 से NPS ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी है तथा NPS में नेशनल पेंशन स्कीम लागू की है, जिसके कारण भारत के 7 लाख केंद्रीय व राज्य कर्मचारी अधिकारी NPS पुरानी पेंशन स्कीम पाने के हिस्से वंचित हो गए। भारत के समस्त केंद्रीय राज्य कर्मचारी अधिकारी में भारी संतोष, निराशा एवं आक्रोश है। मध्य प्रदेश शासन ने दिनांक 1 जनवरी 2005 से NPS ओल्ड स्कीम बंद कर दी, जिससे लगभग मध्य प्रदेश के 6.5 लाख राज्य कर्मचारी अधिकारी पुरानी पेंशन स्कीम NPS के लाभ से वंचित हैं। मध्य प्रदेश शासन की NPS स्कीम में अनेक विसंगतियाँ हैं। मध्य प्रदेश के राज्य कर्मचारी अधिकारी को नियुक्ति तिथि से NPS की सुविधा नहीं मिली है। NPS में केंद्रीय कर्मचारी अधिकारी के समान मृतक, शासकीय सेवक के आश्रित परिवार और विकलांग कर्मचारी को परिवार पेंशन लाभ से वंचित है। NPS में 14% अंशदान शासन का नहीं मिल रहा है। सेवानिवृत्ति पर 30% इनकम टैक्स में छूट का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर्मचारी अधिकारी के संबंध में टिप्पणी की है और OPS ओल्ड पेंशन स्कीम परिवार पेंशन भारत सरकार और राज्य सरकार को बहाल किए जाने चाहिए, जो कि शासकीय सेवक का हक है, सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी है और कर्मचारी अधिकारी का हक है कि परिवार के बुढ़ापे का सहारा है। NPS नेशनल पेंशन स्कीम पात्रता वाले केंद्रीय राज्य के समक्ष OPS ओल्ड पेंशन स्कीम विहीन कर्मचारी अधिकारी के माध्यम से आपके समक्ष पुरानी पेंशन बहाली का विनम्र अनुरोध करते हैं तथा कर्मचारी अधिकारी की सेवानिवृत्ति उपरांत सहज जीवन परिवार का भरण पोषण सम्मानपूर्वक हो सके। आता महोदय से निवेदन है कि राज्य कर्मचारी अधिकारी की पुरानी पेंशन स्कीम OPS को लागू किए जाने की कर्मचारी अधिकारी परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके।